नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेप्सी कंपनी की 125 साल की हिस्ट्री सिर्फ 10 मिनटों में। कैसे पेप्सी कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे दो बार पेप्सी कंपनी बैंकरप्टसी के कगार पे पहुंच गई, कैसे बैंकरप्टसी के बाद पेप्सी का रिवाइवल हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेवार था, और फिर कैसे दो बार बैंकरप्ट हुई कंपनी फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बनी। आइए जानते हैं इस 125 सालों की ब्रेथ टेकिंग हिस्ट्री को हमारे चैनल स्टोरी राइट्स पे। ईयर 1894 टू 1921 ब्रेड स्ट्रिंग फाउंडेड पेप्सीज फर्स्ट वेरिएंट। साल 1894 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में कैलेब ब्रैडम, जो कि एक फार्मासिस्ट थे, अपनी फार्मेसी पे आने वाले लोगों को वो अपने खुद की बनाई हुई एक ड्रिंक पिलाते थे जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। उस शहर के लोगों में वो ड्रिंक इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने उस ड्रिंक को फार्मेसी के ओनर के नाम पे ब्रेड स्ट्रिंग का नाम दे दिया। कुछ चार सालों बाद 1898 में ब्रैडम ने अपनी फार्मेसी पे बिकने वाली ड्रिंक को पेप्सी कोला का नाम दिया। पेप्सी कोला ही नाम इसलिए दिया क्योंकि ब्रैडम की बनाई उस ड्रिंक में जो एक मेन इंग्रेडिएंट था वो था पेप्सिन, जो डिस्पेप्सिया, जिसे इनडाइजेशन भी कहा जा सकता है, उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था। नाम में कोला होने का रीजन ये था कि इस ड्रिंक का टेस्ट कुछ ही सालों पहले 1886 में इंट्रोड्यूस हुई ड्रिंक कोको कोला से मिलता जुलता था। कोको कोला ड्रिंक का इन्वेंशन भी उस समय एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने कुछ इंग्रेडिएंट्स को कोका लीव्स और कोला नट्स के साथ मिलाकर किया था। कोको कोला ब्रांड की हिस्ट्री जानने के लिए आई बटन में दिए लिंक से द स्टोरी ऑफ कोको कोला वीडियो जरूर देखें। दो पेप्सी कोला कोको कोला का एक वेरिएंट लगता था, पर ब्रेड के द्वारा बनाई इस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट थे, जिसका टेस्ट लोगों को पसंद आया। कैलेब ब्रैडम ने अगले कुछ सालों में वो ड्रिंक फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की मदद से अमेरिका में 25 स्टेट्स में बेचनी शुरू कर दी। तो वो दूर तक कोको कोला के कॉम्पिटिटर नहीं थे क्योंकि उनकी वॉल्यूम्स कोको कोला के सेल के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने एक कंसीडरेबल बिजनेस करना शुरू कर दिया। ईयर 1922 टू 1931 पेप्सी कोला टू बैंकरप्टसीज, विल इट क्लोज डाउन? कैलेब ब्रैडम का पेप्सी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, पर जब 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो शुगर के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। उन्होंने अपने बिजनेस को मेंटेन करने की काफी कोशिश की, पर वो लगातार हो रहे लॉसेस को ज्यादा समय नहीं झेल पाए और 1923 में पेप्सी कोला कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उन्होंने अपनी कंपनी को कोको कोला को सेल करने का ऑफर भी दिया, पर कोको कोला ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उस समय एक वॉल स्ट्रीट स्पेकुलेटर रॉय मैगरगल ने ब्रैडम से पेप्सी कंपनी को खरीदा। रॉय ने करीबन 8 साल काफी कोशिश की पेप्सी कंपनी को चलाने की, पर वो उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे थे। और फिर जब अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 में हुआ, तो चाहते हुए भी रॉय पेप्सी कंपनी को नहीं बचा सके और फिर पेप्सी कोला कंपनी दूसरी बार बैंकरप्ट हो गई। दूसरी बार फिर कोको कोला को सेल का प्रपोजल दिया गया, पर इस बार भी कोको कोला ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि पेप्सी ने फाइनली दम तोड़ दिया है, अब पेप्सी कंपनी परमानेंटली बंद हो जाएगी और कोको कोला के हजारों इमिटेटर्स की तरह उसे भी कोई याद नहीं रखेगा। पर किसे पता था कि पेप्सी की दूसरी बैंकरप्टसी के बाद पेप्सी का अंत नहीं, एक ऐसी नई शुरुआत होगी जो उसे आने वाले टाइम में कोको कोला, जिसने दो बार उसे खरीदने से मना कर दिया, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनाएगा और वर्ल्ड की दूसरी बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी। आइए जानते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ। ईयर 1931 टू 1994 रिवाइवल ऑफ पेप्सी कोला कंपनी। पेप्सी की दो बैंकरप्टसीज के बाद पिक्चर में आए चार्ल्स गुड, जो उस समय लॉफ्ट, हैप्पीनेस और मिरर चैन ऑफ कैंडी स्टोर्स चलाते थे, वो करीबन 30 साल से कैंडी बिजनेस में थे। चार्ल्स गुड वो इंसान है जिन्हें पेप्सी का एक्चुअल जन्मदाता कहा जा सकता है। उस समय अपने कैंडी स्टोर्स पे वो सोडा फाउंटेन मशीन से कंसिडरेबल वॉल्यूम कोको कोला का बेचते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो अपने सभी कैंडी स्टोर से इतना कोको कोला बेच रहे हैं तो उन्हें बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्ट कंपनी से खरीदना चाहिए ताकि उन्हें वॉल्यूम डिस्काउंट मिले। जब उन्होंने कोको कोला कंपनी को अप्रोच किया तो उन्होंने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया। चार्ल्स गुड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कोको कोला को सबक सिखाने के लिए अपनी सभी कैंडी स्टोर्स पे कोको कोला ना बेचने का डिसीजन लिया। अब उस समय फाइनेंशियली ये बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि उनके स्टोर सेल्स में कोको कोला की सेल्स एक कंसिडरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन देती थी, पर वो ये डिसीजन इसलिए लेने को तैयार थे क्योंकि उनके पास एक अल्टरनेट अवेलेबल था।
उन्होंने पेप्सी जो बैंकरप्ट हो चुकी थी उसे रिवाइव करने और उसमें अपना शेयर डालने के लिए पेप्सी के उस समय के ओनर रॉय से बात कर ली थी और उस डील के बाद 1931 में नई पेप्सी कोला कंपनी का जन्म हुआ और चार्ल्स ने पेप्सी के इनिशियल फॉर्मूला में चेंज करके उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स किया जिससे वो क्लोजली कोको कोला के टेस्ट को मैच कर सके और फिर उन्होंने अपने सभी कैंडी स्टोर्स की सभी फाउंटेन मशीन से पेप्सी बेचना शुरू कर दिया। अब चार्ल्स ने ये रिस्क टेकिंग डिसीजन लेके पेप्सी कोला कंपनी बना ली और अपने कैंडी स्टोर्स पे बेचना भी शुरू कर दिया, पर उनके कैंडी स्टोर्स पे कोको कोला की बजाय नई पेप्सी ड्रिंक बहुत कम बिक रही थी। वहीं बाकी जगह भी कोको कोला जैसे स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर होने के कारण वो पेप्सी कोला नहीं बेच पा रहे थे। कोको कोला की बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट के कारण कोको कोला लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई थी और उनकी पहली चॉइस थी। पर फिर चार्ल्स ने वो एक डिसीजन लिया जिसने पेप्सी के रिवाइवल की एक्चुअल नींव रखी, ऐसी नींव जिसे फिर कोई कमजोर कर ही नहीं पाया। उस समय कोको कोला के 6 औंस मतलब करीबन 150 ml की बॉटल्स 5 सेंट में बिकती थी। चार्ल्स ने एक ऐसा रेडिकल डिसीजन लिया जिसने पूरी मार्केट डिसरप्ट कर दी। चार्ल्स लोगों के टॉप ऑफ द माइंड रहने वाली ड्रिंक कोको कोला की इमेज, उसके टेस्ट को तो नहीं हटा सकते थे, पर उनको ज्यादा वैल्यू देकर अपनी ड्रिंक पेप्सी कोला की तरफ अट्रैक्ट जरूर कर सकते थे। तो उन्होंने कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देने की सोची और कोई 10-20-30% ज्यादा वैल्यू नहीं, सीधा 100% ज्यादा वैल्यू। कोको कोला जहाँ 150 ml की बॉटल 5 सेंट में बेच रहा था, उन्होंने उसी 5 सेंट में पेप्सी कोला की 300 ml की ड्रिंक देनी शुरू कर दी। अब क्योंकि पेप्सी का टेस्ट ऑलमोस्ट कोको कोला से सिमिलर था और कस्टमर को ज्यादा वैल्यू मतलब डबल क्वांटिटी सेम प्राइस पे मिल रही थी, तो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर ने पेप्सी कोला को अपनी चॉइस बना लिया और पेप्सी कोला की सेल्स बढ़ गई। और सेल्स में क्वांटम जंप तब आया जब पेप्सी ने अपने इस ऑफर को लेकर एक मार्केटिंग प्रमोशन चालू किया, एक बड़ा ही राइमिंग सा जिंगल, पेप्सी कोला हिट्स द स्पॉट, 12 फुल ounces, दैट्स अ लोड, ट्वाइस एज मच फॉर ए निकल टू, पेप्सी कोला इज अ ड्रिंक फॉर यू, जो कि सभी एडवर्टाइजिंग मीडियम्स जैसे रेडियो, प्रिंट सब में वायरल हो गया। इस एडवर्टाइजिंग से मिली पॉपुलैरिटी और वैल्यू ऑफर ने पेप्सी कोला की सेल को रॉकेट स्पीड से बढ़ा दिया। इस एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के पीछे जिनका हाथ था वो थे वॉल्टर मैक, जिन्होंने चार्ल्स गोथ के डिपार्चर के बाद पेप्सी के ऑपरेशंस को संभाला, जिन्होंने पेप्सी की नींव को इतना मजबूत किया कि पेप्सी ने फिर कभी मुड़कर ही नहीं देखा। उस समय साल था 1940। आगे आने वाले 50 सालों में पेप्सी के दूसरे सीईओज ने अपने एफर्ट से पेप्सी को वर्ल्ड की दूसरी बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी बनने की राह पर चलाया। तो ये जर्नी डिटेल में शेयर करना थोड़ा मुश्किल है, पर ब्रीफ में जरूर शेयर करूंगा। इन 50 सालों में पेप्सी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रांग बनाया गया, सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं और भी कई कैटेगरीज में। 1965 में फ्रीटो लुइस के साथ मर्जर, 1966 में डोरिटोज ब्रांड चिप्स का इंट्रोडक्शन, 1970 में पिज्जा हट और टैको बेल का एक्विजिशन, 1980 में नए फ्लेवर स्लाइस डाइट पेप्सी का इंट्रोडक्शन और 1990 में यूनिलीवर के साथ पार्टनरशिप में लिप्टन आइस टी का इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के साथ ब्रांड का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी हुआ, जिसमें पेप्सी ने अपने बॉटलिंग प्लांट्स और अपने सभी प्रोडक्ट्स दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में अवेलेबल करवाए। तो दोस्तों, ये थी ब्रीफ में पेप्सी के पहले करीबन 100 सालों की कहानी। 1994 से 2018 की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कहानी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस दौरान पेप्सी को लीड किया हमारे हिंदुस्तानी की एक चमकती सितारा इंदिरा नूई ने, और अपने इस टेन्योर में उन्होंने पेप्सी के रेवेन्यू को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। उन्हें पेप्सी के इतिहास का सबसे बेहतरीन सीईओ माना जाता है। इन सालों की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्पेशल वीडियो के थ्रू अगली बार, एक केस स्टडी की फॉर्म में। वो वीडियो हमारी ब्रांड न्यू सीरीज बिकम मोर एम्प्लॉयबल का दूसरा वीडियो होगा। क्या आपको हमारी ब्रांड न्यू सीरीज बिकम मोर एम्प्लॉयबल के बारे में अभी नहीं पता है? आई बटन में इंट्रो और पहले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जरूर देखें। पेप्सी के 100 सालों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। पेप्सी की ये हिस्ट्री मैं जान पाया हूँ मार्क पेंडरगास्ट की बुक फॉर गॉड कंट्री एंड कोको कोला से और इंटरनेट पे अवेलेबल कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से। अब क्योंकि पेप्सी की हिस्ट्री के बारे में मुझे कोई अलग से बुक परचेज के लिए इजीली नहीं मिली, तो मेरे पास पहले से ये बुक पड़ी थी कोको कोला की हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें पेप्सी की भी हिस्ट्री अवेलेबल है, तो मैंने इसी को पढ़कर बना दी। इस बुक से मैं ऑलरेडी कोको कोला की हिस्ट्री पे एक वीडियो बना चुका हूँ। द स्टोरी ऑफ कोको कोला वीडियो देखने के लिए
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें। कोको कोला और पेप्सी कंपनी की हिस्ट्री और डिटेल में जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और बहुत सी और मोटिवेशनल स्टोरीज, केस स्टडीज और इंस्पायरिंग आइडियाज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।